जनपद में 141 माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालय का जांच किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि नियमित रूप से सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, जिसको देखते हुए माध्यमिक विद्यालय के लिए टीमें गठित करके राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिससे कि शासन के निर्देश अनुसार नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर 100% हो सके एवं जो भी शिक्षक अच्छा कार्य कर रहा है उनको सम्मानित किया जा सके, जहाँ लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट को कलेक्ट किया जा रहा है, जहां पर भी कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे नियमित रूप से निरंतर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। आज माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीमें गठित करके जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय हैं, उनका निरीक्षण किया गया निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर, ताकि जो शासन के मंशा अनुरूप नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ सुनिश्चित हो सके, वहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है उनको पुरस्कृत किया जा सके, जहाँ वहाँ शिथिलता या निमित्ता बरती जा रही है वहाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके, और शिक्षा की गुणवत्ता पे विशेष रूप से बल दिया जा रहा है और अवस्थापनाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। सर क्या पाया अभी रिपोर्ट संकलित हो रही है, जहाँ अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएंगी, और अगर कोई समस्या संज्ञान में आती है तो अंतर विभागीय समन्वय से उसको हल किया जाएगा।